तो भाई हम लोग फिर से उसी होटल में आ गए, होटल मैपल रिट्रीट मनाली। तो गाइस अभी हम लोग फोटो के लिए रुके थे और मैं आपको रोड दिखा दूं। ये रोड गई है ऐसे जाके, ये पूरा ये जो आपको रोड दिख रही है ये देखिए यहाँ पे चढ़ना है, ये जो रोड दिख रही है पूरा ऐसे चढ़ के जाना हमको भी, ठीक है। और बहुत ऊंचाई पे फिलहाल अभी हम हैं भी, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। ये देखिए नीचे कुछ ऐसा है और वो रोड दिख रही है, वो गाड़ी जा रही है, इसके ऊपर ऐसे चलना है पूरे ऐसे, ठीक है। अभी फ़ोटो हमारी हो गई है, निकलते हैं। अभी बचा है लगभग 75 किलोमीटर मनाली। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. तो गाइज यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ब्रेक मैगी के लिए और चाय के लिए। तो अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है ना अभी, क्यों टाइम कितना हो रहा है आते समय? अभी एक बज रहा है। एक बज गया ना, एक बज रहा है आते टाइम रहना, खाते तो गाड़ी हमने साइड में लगा दी है। पतली रोड है यार ये काफ़ी, हम लोग मेन हाईवे से नहीं आए हैं, थोड़ा सा हमने शॉर्टकट ले लिया। तो शॉर्टकट लेने की वजह से पतली रोड है इधर, वरना मेन हाईवे तो काफ़ी चौड़ा है। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है, ये सब घर दिख रहे हैं नीचे, काफ़ी ऊंचाई पे हैं यार, बहुत बढ़िया। एक इधर ये घर बना हुआ है, इधर सारे बने हुए हैं, बहुत है। और ये आप देखिए जो इनका रेस्टोरेंट है, ये देखिए किस तरीके से पत्थर इसमें सेट करे गए हैं, और बहुत ही ठंडे पत्थर हैं छूने में, ये कैसे सेट किए गए, मतलब देखने में लग रहा है ना कोई आर्ट डिज़ाइन बनी हुई है। ये सारे पत्थर सेट किए गए हैं, देखो एक एक करके रखे गए हैं, ये दीवार बन जाती है यहाँ पे। इधर नीचे से दिखाऊँ मैं, ये देखिए इधर भी ऐसे ही है पूरा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है यार। तो गाइस मैगी तो आ गई थी, हम लोगों ने आधी खा भी डाली, पहाड़ों की मैगी और चाय, गजब का टेस्ट होता है सच में, बहुत ही बढ़िया कमाल का टेस्ट होता है। और यहाँ पे यार बहुत ही सन्नाटा है, बहुत ही शांति है। ये ऊपर लगा है धूप क्योंकि बहुत ज़्यादा है, उसके नीचे बैठे हम लोग, एक दो गाड़ी निकलनी बहुत देर बाद, बहुत ही सन्नाटा है, एकदम शांति। तो भाई मैगी और चाय हमारा हो गया है, कुल्लू यहाँ से बचा है लगभग 35 किलोमीटर, कुल्लू पहुँच जाए उसके बाद में फिर अपना वही मेन हाईवे में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी ये शॉर्टकट लेके थोड़ा सा अंदर से निकल आए हैं। इधर गांव है, घर हैं लोगों के, और उस हाईवे पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। और इस बार पहली बार इस वाले रोड से निकले हैं, वरना जब पहले 2-3 बार गए हैं तो मेन हाईवे से ही जाते हैं। मैप है गूगल बाबा जहाँ पहुँचा दें, इधर शॉर्टकट लगा दें उधर जाना पड़ता है, तो वही हुआ है इस बार हमारे साथ कि गूगल बाबा की कृपा से ये वाली रोड भी हम लोगों ने देख ली है। ये भी सही रोड है, भीड़ इसमें कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अभी यहाँ से 70 किलोमीटर मनाली बचा है, और आप बर्फ़ का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना बर्फ़ जमा हुआ इधर, कुछ जगह पे है, हर जगह नहीं जमा है। तो ये कुछ कुछ जगह पे देखो, यहाँ धूप निकली हुई है, पीछे बर्फ़ जमा था, तो ऐसे नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आगे फिर देखो ये देखो बर्फ़ है, सपोर्ट पे देख रहे हो वाइट वाइट जो दिख रहा है सब बर्फ़। अभी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ये शॉर्टकट मार के यार गलती हो गई, गूगल बाबा ने गलत कराया, क्योंकि इधर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, रोड बहुत ख़राब है। Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. कुल्लू पहुंचने वाले हैं, 9 किलोमीटर बचा है, जो शॉर्टकट लिया था उससे बाहर आके मेन रोड में आ गए हम लोग। ये देख सकते हो पुल के ऊपर से निकल रहे हैं, ब्रिज है यहाँ पे, काफी दो ब्रिज है यहाँ पे, ये देखो एक आगे एक पीछे, तो ये इधर जाम लगी पड़ी है पूरी, देखो। Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. तो गाइस यहाँ पे कुल्लू के बाद में तो रोड एकदम बढ़िया है मनाली तक, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम कुल्लू में नहीं रुक रहे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी यार 3 बजने वाला है और हम कुल्लू में हैं, तो कुल्लू में नहीं रुकेंगे, कुल्लू से आगे बढ़ के मनाली से पहले कहीं ढाबे पर रुक के चाय पी लेंगे बढ़िया से, है ना, लोकेशन अच्छा देख के वहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. लोग शॉर्टकट लेके जल्दी पहुंच जाते हैं जगह पे, और हमारा ऐसा शॉर्टकट गूगल बाबा ने बताया कि हम 1 घंटा लेट पहुंचे क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी। ऐसा होता है कहीं कहीं नई जगह कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन ठीक है 3 बार मेन रोड से आए तो एक बार इधर से भी आके देख लिए, और एक बार क्या है दोबारा आना ही नहीं होगा इधर से क्योंकि इतना बेकार रोड था वो, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ के नज़ारे तो कमाल के यार, मतलब ऐसी रोड है देख लो, ये रोड है भाई।
फिर से उसी होटल में आ गए, होटल मैपल रिट्रीट मनाली। और ये हमारा चौथी बार है कि हम यहीं रुक रहे हैं, ठीक है। दो दिन के लिए अभी यहीं रुकना है हमें, काफ़ी बढ़िया होटल है। और अब यहाँ से जहाँ भी हमें घूमने जाना है वहाँ घूमने जाएंगे। तो एक बार पहले बाहर का नज़ारा देख लें कैसा क्या है यार। तो विंडो में कुछ ऐसा नज़ारा है, बैक व्यू है, फ्रंट के सारे फुल थे तो इसलिए हमको यहीं लेना पड़ा। और रूम काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से तीन लोग आराम से इसमें लेट जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ रुकेंगे और इसके बाद में अभी 4:30 बज गया, हमें अभी जाना है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल जाने के बाद में देखेंगे मॉल रोड घूम लेंगे थोड़ा सा, कुछ खाएंगे पिंग जाके वहीं पे। यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, यहाँ कुछ नहीं मंगाएंगे, वहीं खा के तब हम लोग आएंगे। और फिर अभी इनसे हमने पता किया, जो होटल वाले उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी क्या है कि रोहतांग पास तो बंद हो चुका है, ठीक है, और केलोंग भी मुश्किल है जाने दें क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो केलोंग भी मुश्किल है कि हमको वहाँ से जाने दें। तो अटल टनल कल जाएंगे, सोलांग वैली जाएंगे, देखते हैं अगर आगे जाने देंगे तो जाएंगे, क्योंकि वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं, मैंने भी वीडियो देखी है दो चार। तो जितना जाने देंगे फिलहाल उतना हम लोग जाएंगे और उतना घूमेंगे, और अगर जल्दी घूम लेंगे तो कल ही निकल लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल और रुकेंगे परसों। दो दिन इस बार रुकने का प्लान बना के आए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे आपसे मार्केट में चल के अभी। तो भाई जैसे ही होटल के बाहर हम लोग आए, ये देख लो सामने का नज़ारा बहुत बढ़िया, ये सब बर्फ दिख रही है यहाँ पे पूरा, सामने चेयर्स काफ़ी अच्छा है, पार्किंग में इनके पास है, अपनी गाड़ी उधर लगा दी मैंने। तो भाई अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं अपने, क्योंकि पिछली बार हिडिंबा देवी टेम्पल गाड़ी लेके गए थे, बहुत जाम रहता है इस समय, तो बहुत ही ज़्यादा सीज़न चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रोड पर आके रुके हैं, कोई ऑटो आ जाए तो ऑटो से ही निकल जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है इस होटल से, यहाँ पर हम लोग रुके हैं मैपल रिट्रीट में। देखते हैं कोई ऑटो आ जाए फिर बैठे निकल लें यहाँ से हिडिंबा देवी टेम्पल। भाई अभी ऑटो तो मिल गए यहाँ से, तीन लोग बैठे, कितने पैक ऑटो में आपको दिखाता है, देखो चारों तरफ से ये कपड़े इधर से बंद, इधर से ही बंद था, मैंने खोला है वीडियो बनाने के लिए क्योंकि इतनी ठंडी हवा है ना, तो बंद करके चल रहे हैं यहाँ पे। और हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए क्या है, देखते हैं पहुँचते हैं यार, बाईपास से लेके जा रहे हैं। शॉपिंग हो गई, मॉल रोड घूम लिया, हिडिंबा देवी टेम्पल घूम लिया, और अभी हम लोग आ गए लिफ्ट के अंदर अपने होटल में, कांच वाली लिफ्ट, चारों तरफ से हम ही नजर आ रहे हैं और कोई नहीं है, ये देख लो। तो अभी जा रहे हैं अपने रूम में, अब सोना है, सुबह देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है हमारा। चलो भाई आ गया अपना 3rd फ्लोर। तो ये हम आ गए हैं अपने रूम के अंदर, अभी तो नींद नहीं आएगी, अभी देखना है अपनी फोटोज, इनको इनकी फोटोज अपने में डालनी है, यही सब होगा। उसके बाद में जब भी नींद आएगा 11-12 बजे, उसके बाद सुबह उठते हैं हम लोग, और क्योंकि खाना पीना खा चुके हैं अभी, खाने पीने की टेंशन कोई नहीं, हम लोग बहुत खाया पिया यार। उसके बाद में अभी सिर्फ रूम में सोना सोना बचा है, सुबह उठ के जाएंगे। केलोंग नहीं जाने दिया जा रहा है इस समय क्योंकि केलोंग में ज़्यादा बर्फ गिर रही है, तो हम लोग को सोलांग वैली से सिसु जाना है अटल टनल क्रॉस करके, उसके बाद में सिसु से अगर आगे जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं तो वापस हम लोग लौट आएंगे। तो फिलहाल कल इस रूम से चेकआउट कर देंगे क्योंकि दो दिन रुकने का कोई मतलब नहीं होता है, चेकआउट कर देंगे, जैसा हमारा प्लान बनेगा फिर ले लेंगे आके, जैसा भी मन होगा। सो गाइस अभी की ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yeah, true passion shines and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I'm